चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने समान थाना गई एक 9 माह की प्रेग्नेंट महिला से पुलिस द्वारा किया गया व्यवहार एक बार फिर खाकी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस द्वारा महिला के साथ की गई अभद्रता का एक वीडियो भी बना है जो स्वयं पीड़ित महिला ने बनाया है, जिसमें देखा जा सकता है ही महिला अपने हक के लिए पुलिस वालों से लड़ रही है, तो वही पुलिस वाले वर्दी का रौब दिखाकर महिला को डरा रहे हैं। समान थाना अंतर्गत जनता कॉलेज के पास रहने वाली महिला साधना तिवारी ने बताया कि 26 जुलाई को उनके पति नए बस स्टैंड गए थे, जहां से उनकी बाइक चोरी हो गई, जिसकी सूचना थाने को दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज करीब 2 बजे अनजान नंबर से फोन के माध्यम से सूचना मिली कि बाइक सिरमौर चौराहा स्थिति राम गोविंद में खड़ी है। इस बात की सूचना फौरन थाने पहुंच कर दी और पुलिस वालों को साथ चलने को कहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा खुद चली जाओ। थाने में उस वक्त न थाना प्रभारी थे न मुंशी, बताया गया वो शाम को 5 बजे तक मिलेंगे। शाम को थाने पहुंचने पर पुलिस वाले FIR नहीं लिख रहे, वर्दी का रौब दिखाते हुए आरक्षक और मुंशी बदसलूकी कर रहे, कहते हैं तेरे पति को जेल में डाल देंगे। आरक्षक अभय यादव जूता मारने को कहता है, हाथ मरोड़ कर धक्का देते हुए बोला कि जाओ, तुम्हारी FIR नहीं लिखेंगे, जो करना है कर लो। आपको बता दे कि महिला 9 माह की प्रेग्नेंट है, ऐसे हालातों में सरकार भी उन्हें 6 माह की छुट्टी देकर आराम करने को कहती है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करो, उसके बावजूद भी महिलाओं को लेकर पुलिस कितनी संवेदनशील है यह देखा जा सकता है कि एक महिला जो प्रेग्नेंट है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। वही इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी ने कहा कि महिला के पति द्वारा अपने किसी साले को मोटरसाइकिल दिया था, लेकिन साले ने मोटरसाइकिल नहीं लौटाई और उसका फोन बंद था, जिसके बाद यह थाने शिकायत लेकर आए थे, लेकिन FIR करवाने से मना कर दिया था। आज वीडियो बनाने को लेकर स्टाफ के साथ कुछ कहा सुनी हुई है, ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद जैसे तथ्य सामने आएंगे कार्यवाही की जाएगी। बताइए क्या नाम है? साधना तिवारी मेरा नाम है। क्या घटना हुई आपसे? मेरे साथ कल मेरे मोबाइल और बाइक चोरी हो गई मेरे हस्बैंड की न्यू बस स्टैंड से, जिसमें मैंने कंप्लेन किया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं दोपहर में 2 बजे थाने आई थी, मुझे अननोन नंबर से कॉल आया कि आपके यहाँ से बाइक जो घूमी है वहाँ खड़ी है, मैंने रमा गोविंद के पास, मैंने इनको बोला यहाँ आके, तो ये बोले कि आप जाके देख आइए। मैं जाके बाइक देखी, वापस यहाँ आई तो कोई सुनवाई नहीं, मैं घर चली गई। अभी आई जब यहाँ रिटर्न, तो यहाँ के जो ये मुंशी जी हैं और यादव जी हैं, स्टाफ हैं, वो जूता मारने के लिए बोल रहे हैं, FIR नहीं कर रहे हैं, हाथ पकड़ के बाहर भगा दिए, लपट रहे हैं, बोलते हैं तुम्हारी औकात नहीं है रिपोर्ट लिखने की, रिपोर्ट हम नहीं लिखेंगे, तुमको जो करना है कर लो, जहाँ कंप्लेंट करना है तो कर लो जाके, तुम 2 कौड़ी की औरत हो, हम तुम्हारा कुछ, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। हम 9 महीने की बताइए प्रेग्नेंट हैं और हम दिन भर से थाने का चक्कर लगा रहे हैं, कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं है थाने में, न TI साहब हैं न कोई हैं, मुंशी जी जो कि अभी आए हैं, जब दोपहर में हम आए तो मुंशी जी भी नहीं थे, बोले 5 बजे के बाद आएंगे, वो तो वो अभी आए हैं, उसमें कोई कर नहीं है। आपके पास एक वीडियो भी है जिसमें मेरे पास एक वीडियो मैं बनाई हूँ, जिसमें वो मेरे से लपट रहे थे, मेरे हाथ पकड़ रहे थे, मेरा मोबाइल छुड़ा रहे थे, मुझे जूता मारने के लिए बोले, बाहर भगा रहे थे, बोले तुम चले जाओ नहीं तुम्हारे हस्बैंड को हमें FIR करके अंदर डाल देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को जेल करा देंगे, फांसी करा देंगे, वो धमकी दे रहे हैं हमें। आपको भी उठाकर अंदर करने की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे हाथ पकड़े हुए थे। नहीं, आपको लॉकअप में बंद करने की बात? हाँ, लॉकअप में बंद करने की बात कर, बोले तुम्हारे जैसे बहुत प्रेग्नेंट लेडीज देखे हैं, तुम्हारे जैसे सब लेडीज ऐसे ही करती हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तुम मेरे को बात कर रही हो, मेरे को चैलेंज कर रही हो, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जा जो करना है तो कर ले, तेरे को जो करना है तो। आप प्रेग्नेंट हैं, इसके बावजूद उन्होंने तरस? हाँ, कोई तरस नहीं खाए, मैं तीसरी चक्कर आई हूँ, कोई तरस नहीं है, ऊपर से मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, जूता मारने बोल रहे हैं। पुलिसकर्मी कौन है? कौन सा थाने का है? समान थाने का है। क्या नाम है? नाम क्या पुलिसकर्मी का? अभय यादव नाम है, बिल्ला नंबर 425 है, और थाने में मुंशी जी हैं, वो भी बदतमीजी कर रहे थे, पर अभय यादव हाथ पकड़ रहे थे, लपट रहे थे, मोबाइल छुड़ा रहे थे, जो कि वहाँ CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो थाने में कैमरा लगा हुआ है,
और भी जो वहाँ बैठे थे वो लोग भी देखे हैं, सब कोई देखे हैं, वो मुझे किस तरह से पकड़ के बाहर भेजे हैं और मेरे हाथ से मोबाइल छीन रहे थे, मेरा दुपट्टा पकड़ रहे थे, तुम मेरा क्या कर लोगे? क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि इसके जो भी हो इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसकी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, इसको अपनी नौकरी का बहुत घमंड है। शिकायत भी करेंगे कहीं इनकी? शिकायत करेंगे हम अभी 181 में शिकायत करेंगे, SP साहब के यहाँ भी शिकायत करेंगे, दोनों जगह हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हमें न्याय ये अभी आधा घंटा की पहले की घटना है। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हूँ? मैं रीवा की रहने वाली हूँ, जनता कॉलेज की। मेरा नाम साधना तिवारी है। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही अगर आम आदमी पुलिस के पास नहीं जाएगी तो किसके पास जाएगी? अगर घटना घटी है तो हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस जब सहायता नहीं करेगी तो आदमी कहाँ जाएगा? रीवा में इतना क्राइम हो रहा है, लोग बोलते हैं क्राइम इसीलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस वाले अपनी वर्दी का रोक झाड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि एक जो है इनके जो पति हैं, है ना, किसी कथित अपने साले को जो है मोटरसाइकिल दिए थे, तो मोटरसाइकिल ले गया था वो, बाद में फ़ोन ऑन बंद कर दिया था, उस पर इनने आवेदन दिया था इसके पति ने कि मोटरसाइकिल ले गया है और FIR करवाना नहीं चाह रहे थे, उसी बात को लेके थाने आए थे। तो उसमें महिला शायद वीडियो वगैरह बना रही थी, उसी में जो है स्टाफ के साथ कहा सुनी हुई है, उसकी जांच करेंगे और जांच में अगर गलत पाया जाता है तो उसमें विभागीय रूप से कार्रवाई। सर वीडियो में आरक्षक को बदतमीजी करते हुए दिखाई दे रहा है, मोबाइल छीनते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि महिला गर्भवती। क्या है कि जैसे कोई थाने में आता है ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आके वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दे यहाँ पे, है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, स्वाभाविक है। पर अगर दोषी है, अगर गलती है तो उसमें जो है उसके प्रतिवेदन भेजा जाएगा उसके विरुद्ध। ठीक है, औकात देखना चाहिए अपने किसी की, आपको भी औकात देख के बात करनी चाहिए, ठीक है ना? आपको भी औकात देख के बात करनी चाहिए। आप औकात की बात कर रहे हैं? औकात की बात कर रहे हैं हम, फालतू बात कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं बताइए, हम कब से बैठे हैं, कुछ बोले आपको? हाँ तो वीडियो बनाएंगे, हाँ लपटेंगे, हाँ बदतमीजी ना करो, बदतमीजी आप कर रहे हैं, मैं तो आपको बता रही हूं कि बात करनी चाहिए।